जैसे वेव्स, वेव्स का तुम लोग को फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, उसका इक्वेशन तुम लोग को ध्यान रखना है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर तुमको इसके फेज डिफरेंस के दो फॉर्मूले, 2π बाय लैम्डा डेल्टा एक्स और 2π बाय टी इंटू डेल्टा टी, ये तुमको याद रखना है। जितने भी वन मार्क वाले क्वेश्चन है ना इसके, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप, वो पढ़ जाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वहां पे, वो अच्छे से देख जाना है। जैसे कि मैं तुमको बोलूं, अगर यहाँ पे तो बेस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 to 11 वेरी शॉर्ट में, भाई टेक्स्ट बुक नूतन से बता रहा हूँ, ठीक है, वेरी शॉर्ट 6 to 11 इम्पोर्टेंट है, वेरी शॉर्ट, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इसको बताओ इतना, ये क्या फेज डिफरेंस होगा, या इसको इस फॉर्मेट में लिख करके दिखाओ, उस फॉर्मेट में लिख करके दिखाओ, तो उनको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वाई इक्वल्स टू ए साइन, अलग अलग तरीके से लिखो, 2π बाय टी स्मॉल टी माइनस 2π बाय लैम्डा, इसको अलग अलग फॉर्मेट में वहां पे लिख सकते हैं। ये सवाल आएंगे, इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बताओ क्या इसकी वेव की वेलोसिटी है, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले से तुमको एकदम फेमिलियर हो जाना है, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इसको तुम नोट कर लो। उसके बाद वेव में तुम्हारे को अगर पूछा जाएगा ना, और क्या बोलिए, हाँ जी, हाँ, अब 5 बजे तो सुबह 5 चलो मैं कैंसिल करता हूँ, हाँ, और हम क्या करते हैं, अब वो अरे स्कूल से काम कर रहे हैं जी, बेसिक आना था मेरे, मैं वैसे आ रहा हूँ, ठीक है, वहां पर हेलो, हाँ बोलिए, 5 बजे तो मेरा, अरे 5 बजे तो मेरा रेगुलर क्लास होता है यार, अरे एक मिनट, अब यार हार्दिक से कह, तो ये सब इतना कर लोगे। उसके बाद तुम लोग पढ़ोगे क्या कहते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, उस पर तुम लोग को तीन फॉर्मूले याद कर जाना, रूट ओवर बी बाय री, बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी, रूट ओवर पी बाय रो, ठीक है, ये इसका करेक्टेड था रूट ओवर गामा पी बाय रो, ये डेरिवेशन तुमको इसका आना ही चाहिए। और मैंने ना 4 पॉइंट दिखाए थे कॉपी में ना, कि प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, तो बोला था प्रेशर बढ़ने से साउंड की स्पीड नहीं बढ़ती है, बिकॉज प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे कि पी बाय रो कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। उसके बाद आगे में देखो, इसका डेरिवेशन जो है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, cos phi, इसके पहले एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसके डेरिवेशन एग्जाम में, देखो इसका डेरिवेशन थोड़ा टफ है, ठीक है, मैंने करवाया भी था क्लास में, तो आने के चांस फिर भी कम है, लेकिन इसके बेसिस पे तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये तुमको पढ़ जाना अच्छे से। कंस्ट्रक्टिव कब होता है, जब कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। ये कब हो जाता है, फाई क्या हो जाता है,
जीरो, टू पाई, फोर पाई, टू एन पाई, ये कब होता है जब पाई हो जाता है पाई, टू थ्री पाई, फाइव पाई, डॉट डॉट डॉट, ये कब होता था? ये तब होता था कॉस जब पाथ रिप्लेस पे देखा जाए, ये हो जाता है लेमडा जीरो, लेमडा टू, लेमडा डॉट डॉट डॉट, ये कब होता है जब पाथ रिप्लेस हो जाता था लेमडा बाय टू, थ्री लेमडा बाय टू, डॉट 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 डॉट, ठीक है? ये तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान में कर जाना, ठीक है? एक पूरे चैप्टर की समरी है ये, ठीक है? सवाल आते ही एग्जाम में 1 मार्क के, बताओ इसका पाथ डिफरेंस क्या कहते हैं, क्या होने पे कंस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है? पहला तो आंसर है जीरो। अगर बताओ पाथ डिफरेंस थ्री लैम्डा बाय टू है तो किस तरह का आवाज तेज होगी कि कम होगी? थ्री लैम्डा बाय टू डिस्ट्रक्टिव होगा तो आवाज कम होगी, ठीक है? तो ऐसे ऐसे सवाल तुम्हारे सामने आते हैं, ठीक है? ये दोनों फॉर्मेट तुम लोग को नोट कर जाना है। और इसको जब इस पे कन्वर्ट करते हैं ना, इसके लिए हम यूज करते थे आई इक्वल टू के ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है? तो दिक्कत समझ में नहीं? हाँ आगे बढ़े। उसके बाद हम आगे देखिए, अगर फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टैंडिंग वेव। वो स्टैंडिंग वेव्स पता ही है कि स्टैंडिंग वेव्स का और क्या कहते हैं तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का डिफरेंस पढ़ जाना है एक बार, ठीक है? तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? तीन मैंने डिफरेंस तुम लोग को लिखा था, छह सात पाँच छह लिखाए थे, तो कोई भी तीन भी पढ़ जाओगे ना काफी होगा। और ना स्टैंडिंग वेव्स का जो तो फॉर्मेशन है ना, ओपन पाइप में, क्लोज पाइप में और स्ट्रिंग में आता है, ठीक है? स्टैंडिंग वेव बना करके देखो और इसकी फ्रिक्वेंसी का डेरिवेशन करो। अगर एग्जाम में तुमको इसका मैथ्स वाला फॉर्मेट अगर नहीं आता, बिकॉज मैथ्स वाला के थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है? अगर मैथ्स वाला तुमको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिंपल वाला बना करके आ जाना। कैसे सिंपल वाला था? ऐसे हमने बनाई थी, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है? फिर एक हो जाएगा, फिर इसका दूसरा कैसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा, रोज पर कैसा था, ऐसा था, ठीक है? इसलिए यहाँ पे बनता था ओ एंटी नोड। इसका दूसरा वाला फॉर्मेट कैसा था, ऐसा था, ऐसा था, ठीक है? स्ट्रिंग में हमको पता है कि ऐसे बनती थी, फिर एक ये था फर्स्ट वाला, फिर सेकंड ऐसा था। तुमको तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखते थे हम लोग लैम्डा इक्वल टू, ये लैम्डा बाय फोर इक्वल टू एल, ठीक है? यहाँ लिखते थे लैम्डा बाय टू इक्वल टू एल। तो ऐसे करके तुम लैम्डा करके फिर उससे फ्रिक्वेंसी निकाल करके कर सकते हो लैम्डा बाय फोर इक्वल टू एल। यहाँ पे लैम्डा बाय टू आएगा ना, यहाँ पे लैम्डा लैम्डा आएगा, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा थ्री लैम्डा बाय फोर इक्वल टू एल। लैम्डा से तुम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है? फ्रिक्वेंसी से तुम फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी बाय लैम्डा हो जाती है, ठीक है? ऐसा तुम निकाल सकते हो, ठीक है? ये सब तुम डेरिवेशन पूरा पूरा कर जाना, ठीक है? इस ऐसे कोई भी सवाल लगा तो तुम उसको करने में सक्षम हो। न्यूमेरिकल्स कोई बहुत ज्यादा मार्क के नहीं आते, न्यूमेरिकल्स आते एग्जाम में 10 से 15 मार्क के न्यूमेरिकल्स आएंगे, बाकी पेपर जो होता है थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है? और इस थ्योरी बेस्ड में तुमको 1 मार्क वाले जो वो क्वेश्चन है पढ़ करके जाने पड़ेंगे, ठीक है? और 2 मार्क वाले क्वेश्चन जो है ना, तुम पहले सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ जाओ, ठीक है? उसके बाद तुम 1 मार्क वाले सारे पढ़ो, और फिर 2 मार्क्स वाले में जो भी तुमको लगते ना इजी इजी क्वेश्चन, तुमने क्वेश्चन पढ़ा जो आसान लगा उसी को पढ़ करके जाओ। तुम्हारे एग्जाम में कोई याद रखना, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर आते हैं और तुमको लगता है कि ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टफ लग रहा है, तो टफ क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है। तुम्हारे अगर वेरी शॉर्ट में अगर 30 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन इजी इजी होते हैं, इजी इजी पढ़ के जाना, ठीक है? क्योंकि तो अभी क्या देखो लॉकडाउन हुआ, अभी ये सब सारे क्लासेस ऑफलाइन ऑफ ये क्या कहते हैं ऑनलाइन थी, अभी पूरा का पूरा सिलेबस भी आ रहा है, क्लासेस भी ऑनलाइन थी, ठीक है? अब एग्जाम भी ऑफलाइन हो रहा है, तो वो लोग ऐसा नहीं करेंगे कि पेपर तुमको टफ निकाल करके देंगे, ठीक है? बस तुमको स्मार्टली वर्क करना है, तुमको पेपर जो है तुमको अच्छे से क्या कहते हैं जितने भी है ओवर वो व्यू लेकर के जाना होगा, ठीक है? तुम स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, कोई बोर्ड आईआईटी का एग्जाम नहीं दे रहे हो जहाँ क्वेश्चन टफ आने वाले, ठीक है? और करेक्शन भी मैं अपने एंड पे तुम्हारे लिए इजी ही करने वाला हूँ, ठीक है? तुमको लेकिन
सबको अच्छे से पढ़ करके जाना है। उसके बाद ये करने के बाद तुम लोग डॉक्टर से तक तो छोड़ ही देना पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं उसको, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। इतना करने के बाद अब आता है SHM, ठीक है। SHM में तुम लोग थोड़ा सा वो सारे देख जाना, ग्राफ देख जाना, ठीक है, ग्राफ देख जाना, ठीक है, क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, उसका जो ऐसे हम लोग सर्कुलर मोशन से ड्रॉ करते थे, याद है, ऐसे करके, ठीक है, वाई को सिचुएशन ओमेगा टी, फिर वाई का था, फिर वेलोसिटी का था, फिर एक्सेलरेशन का था, फिर क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का था, फिर काइनेटिक एनर्जी का था, फिर टोटल एनर्जी का था, फिर ये सारे के सारे थे, ठीक है, और इनका पूरा डेरिवेशन था। और तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये पता है इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है SHM में जो टाइम के साथ नहीं बदलती है, तो आंसर है टोटल एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, आंसर है मिनिमम होती है, ठीक है। तो पता है तुमको अगर बीसी देखो याद रखना, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता भी है ना तो छोड़ करके मत आना, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, तुम अगर आंसर छोड़ोगे ना तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो तुम्हें क्या करना, जो फॉर्मुलेस तुम्हारे सामने जो तुमको दिए गए ना, ठीक है, उन फॉर्मुलेस को देखना है, और उससे जो भी तुमको कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में तुमको बेसिक अगर आता है ना, और तुमने हो सकता है कोई शॉर्ट आंसर पढ़ा नहीं भी हो या वेरी शॉर्ट आंसर नहीं भी पढ़ा हो, तुमको बेसिक आता हो, सोचो उसके ऊपर तुम्हारे बेसिक नॉलेज से कि उसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग तुम वहां पे लिख दो। अगर तुमने फॉर्मूला भी सही से लिख दिया ना, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, या कुछ भी तुमने डाल दिया सही से रिलेटेड, तुमको डेफिनेटली एक मार्क या दो मार्क में कुछ ना कुछ मार्क्स तुमको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे को तो आता ही नहीं है, पेपर खाली छोड़ दिए, आता है तुमको, तुम जितना तुमको आता तुमने उतना भी नहीं लिखा, तुम अगर नहीं लिखोगे तुमको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। इसलिए जो भी आता है जितना भी आता है उसके हिसाब से तुम लिख दो, कुछ ना कुछ मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। इसके ग्राफ सारे के सारे तुम प्रैक्टिस कर जाना, ठीक है, मैंने सारे सारे ग्राफ ड्रॉ करवाए थे ऐसे करके, वाई का, फिर वेलोसिटी का, फिर एक्सेलरेशन का, ठीक है, सारे मैंने करवाए थे, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का, ऐसा था ना, काइनेटिक एनर्जी का, इस तरह से सारे के सामने विद रेस्पेक्ट टू टाइम मैंने सारे सारे ग्राफ ड्रॉ करवाए थे, ठीक है। तो उसको देख जाना अच्छे से, अगर तुम सारे शॉर्ट वेरी शॉर्ट नहीं भी रीड कर पाते हो ना, लेकिन तुमको अगर हर चैप्टर से तुमको सारे फॉर्मूलाज, तुमको बेसिक बेसिक कंसेप्ट अगर आते हैं ना, तो भी तुम्हारे लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया, अच्छा आगे बढ़ते हम लोग। तो प्लीज अच्छे से नोट्स जरूर से करके जाना, ठीक है, नोट्स आएगा तो तुम कितनी बार शॉर्ट और वेरी शॉर्ट को भी खुद से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं अपोजिट में, नेक्स्ट नया टॉपिक हमारा होगा ये पूरा पूरा हीट चैप्टर। हीट चैप्टर में अगर हम देखें ना, तो इसकी स्टार्टिंग हो जाती है हीट चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाती है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, चैप्टर 17 तुम्हारी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर 17 है वो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इसके बाद तुम्हारा फिर थर्मोडायनेमिक्स आता है, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आता है, ठीक है। ये सब कुछ चैप्टर जो है ना बेसिकली हीट से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें अब देखो, इसमें तुम्हारा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है, मैंने बार बार देखा है, गैसेस कब बिहेव करती है लाइक आइडियल गैस, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है, वो चीज याद रखनी है। उसके बाद तुमको बेसिकली ये भी पता पूछा जाता है कि अल्फा बीटा गामा जो क्लास टेन, पता है तुम देखना तुम्हारे जो पेपर जनरली आसान आता है, तो क्या आते हैं वो लोग जो क्लास नाइन्थ में तुम लोगों ने पढ़ कर रखा उसको भी रिपीट कर देते हो, है ना, कि बीटा बताओ अल्फा में अल्फा क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अगर तुमको डेफिनेशन नहीं भी याद है, तुमको ये तो पता है कोई रॉड है एक मीटर की, हमने उसको हीट किया 1°C से, ठीक है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो उसका इंक्रीज इन लेंथ कहलाता है, वो अल्फा कहलाता है, ठीक है। तो तुम इस पर अपने वर्ड पे लिख के आ गए इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए रॉड, इंक्रीज इन यूनिट लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए रॉड ऑफ यूनिट लेंथ फॉर यूनिटाइजिंग टेंपरेचर इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सेम वैसे बीटा एरिया के लिए हो जाता है, गामा वॉल्यूम के लिए हो जाता है। तुम इसका
क्या कहते हैं अल्फा बीटा गामा में तुम रिलेशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाला तुम सवाल देख जाना एक बार। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है वो एक देख जाना, लैटेंट हीट क्या होता है वो देख जाना, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन, ठीक है, वो आती है लैटेंट हीट, ये एमसी डेल्टा टी, इस पे सवाल आते हैं, इस पे एम एन, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जो तुमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो तुमको एम इन टू एल, ठीक है, ये दो तरह के होते थे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, वो तुम कर जाना। अब आगे बढ़ोगे ना तो हीट ट्रांसफर में जो तुमको मेन चीज जो याद रखनी है वो तो ये वाला फॉर्मूला है, रेट ऑफ हीट फ्लो के ए टी टू माइनस टी वन बाय एल, ठीक है। ये क्या कहलाता है, रेट ऑफ हीट फ्लो कहलाता है। के क्या कहलाता है, थर्मल कंडक्टिविटी, ए फॉर क्या था, एरिया, एल क्या था, लेंथ, और टी टू माइनस टी वन क्या होता था, टेम्परेचर डिफरेंस। तो तुम जो है ना चैप्टर नंबर 18 पे सबसे पहले ये फॉर्मूला तुमको समझने के साथ साथ इस फॉर्मूला को तुमको याद कर जाना है, हर एक टर्म का मतलब क्या है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे के का यूनिट क्या तुम भूल गए, अब कैसे याद करोगे, तो क्यू बाय टी था रेट ऑफ हीट फ्लो, ये था वॉट, इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है मीटर, इसका होता है केल्विन, जोड़ जोड़ के बना लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर से और क्या क्या है भाई, ये तो सबको अच्छे से याद कर देना, स्टीफंस लॉ, सिग्मा टी रेज टू फोर, ठीक है, वी डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या था, लैम्डा इक्वल्स टू बी टी, ठीक है, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सारे के सारे लॉ जो है ना, ठीक है, इसको एज इट इज याद कर जाना, ठीक है। एकदम बैठे बैठाए लॉ जो होते पूछे जाते हैं, ठीक है, तीनों में से कोई एक लॉ तो आता ही आता है, दो मार्क का, तीन मार्क का, ठीक है। क्लियर हो गई बात सबको, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ का इधर डेरिवेशन डेरिवेशन नहीं आता है, क्लियर, उसके कभी कभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो वो तुम कर सकते हो, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर निकाल करके वो सब करके। अच्छा उसके बाद आती है बात नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये सारे प्रोसेस के तुमको मतलब पता होने चाहिए, एडिया और आइसो, उसके बाद क्या था, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ठीक है, उसके बाद ये हो गए चारों, ये तीनों प्रोसेस को मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, वर्क डन, इस दोनों के वर्क डन आते ही आते हैं, ठीक है, तीन का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने करवाया भी था इंटीग्रेशन से एडियाबेटिक का वर्क डन और आइसोथर्मल का वर्क डन, ठीक है, ये तो अच्छे से देख जाना, तीन मार्क का डेरिवेशन आता है, आइसोकोरिक का वर्क डन जीरो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला सीपी का मतलब क्या होता है, सीवी का मतलब क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर प्रूव करो मेयर सिलेक्शन, ठीक है। फिर क्या कहते हैं ये वाला, और सीपी बाय सीवी क्या होता है, वन प्लस टू बाय एफ होता है, इसका पूरा डेरिवेशन का सीक्वेंस याद कर जाना, कैसे था सीक्वेंस, यू इक्वल टू एफ बाय टू आर टी से स्टार्ट होता था, डी यू को लिखते थे हम लोग एफ बाय टू आर डी यू बाय डी टी को, फिर हम लिखते थे डी यू था क्या, एन सी वी डी टी बाय डी टी इक्वल टू एफ बाय टू आर, ये दोनों मर जाएंगे तो सी वी क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एन आता था, यहाँ भी एन आएगा, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता था, ये एन ऐसा आता था, सी वी हो जाता था एफ बाय टू आर, फिर सीपी माइनस ये एक फॉर्मेट याद करते थे, फिर सीपी माइनस सीवी बाय आर का डेरिवेशन था मेयर सिलेक्शन का, सीवी मिल जाएगा उसे सीपी निकाल लेंगे, आसानी से काम हो जाएगा, क्लियर। तो
तुम इतना अच्छे से कर जाना। कार्नोट इंजन हालांकि बस खाली तो एग्जाम में इतना नहीं आएगा, उसका फॉर्मूला पढ़ जाना, वन माइनस टू बाय टी वन, वन माइनस टू बाय टी वन, ये इसकी एफिशिएंसी का, ठीक है। तो तुम इतना अच्छे से पढ़ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये हमारा इतनी कहानी हो गई, ये चैप्टर का भी हो गया, क्या क्या तुमको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। वर्क डन का हमेशा पीडीवी से निकालना है दोनों के लिए, इसका भी इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, इसका डेरिवेशन आना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे बढ़ते अब हम आते हैं क्या कहते हैं पूरे मैकेनिक्स पे। मैकेनिक्स पे जब हम आएंगे तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर से बता रहा हूं मैं, ठीक है। तुमको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, सवाल आसान आते हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी शॉर्ट वेरी शॉर्ट में कोई टफ क्वेश्चन दिखे तो उसको स्किप कर जाने का, उसके पीछे मत पड़ जाना, ठीक है, कि क्वेश्चन को समझना ही अभी, ठीक है। तुम्हारा मेन काम है कल मार्क्स स्कोर करना, मार्क्स स्कोर करने के लिए जो आसान सवाल है उन पर ज्यादा तुमको फोकस करने हैं, और आसान सवाल ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। वैसे भी इतना सब कुछ ऑफलाइन हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड टू बी इजी ही होंगे। तो अब क्या करना तुमको, पहली बुक से तुमको ना थोड़ा सा एरर पढ़ जाना है। एरर का जो देखो एरर तुमको निकालने आना चाहिए, ठीक है। तुमको अगर तुम्हारे पास एरर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्वेश्चन नहीं आता तो खाली मत छोड़ कर कहना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो एरर का फॉर्मूला होता है वो तो लिख ही सकते हो, है ना। कैसा फॉर्मूला होता है देखो तो, कि अगर डेल्टा आर इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, अगर दो चीजों को ऐड करते हैं तो उनका एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, ठीक है। अगर हम जैसे मान लो ये कब होता है, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी की होता है, और अगर ये ऐसा होता है आर इक्वल्स टू ए बी होता है, तो डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए, ये तुम इसको इतना तो तुमको अगर पूछ ले कि इस पे क्या एरर है तो तुमको कम से कम फॉर्मूला तो नहीं भी है, फॉर्मूला लिखना आना चाहिए तुमको। एरिया रहता है पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज डेल्टा ए बाय ए, तो हमको पता है कि पावर में क्या होता है वो कॉन्स्टेंट, भूल जाओ इसका, लिख दो पावर टू डेल्टा आर बाय आर, ठीक है। ये एरर के लिए तुम इतना इतना तो कम से कम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशंस में वो तुमको तीनों आने चाहिए, ठीक है। डायमेंशन लिखने आना चाहिए कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं सारे के सारे, कुछ कुछ का तुमको याद करना पड़ेगा, जैसे जी का होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है, ठीक है। ये सब एक दो तुमको अच्छे से पढ़ जाता है। अब क्या करना है, प्रूव करो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली डिराइव करो इसको, ठीक है। वो सब अगर सवाल अगर आते हैं, एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर डिराइव करना, कैसे लिखते थे हम लोग, एफ इक्वल टू के एम रेज टू ए वी रेज टू बी आर रेज टू सी, डायमेंशन लिखते थे, ए बी सी की वैल्यू निकालते थे, वो सब कर जाना। काइनेमेटिक्स पे ना मोशन इन वन डायमेंशन भी सिलेबस पे नहीं है, अगर
किसी ने प्रॉपरली पेपर सेट किया तो इससे ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी जो सवाल आएंगे ना वो आएंगे तुम्हारे मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो मोशन इन टू डायमेंशन में एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, इसका तुम लोग डेरिवेशन कर जाना टाइम ऑफ लाइट का, और इसके फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। रेंज का और हाइट, और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल y cos x tan थीटा माइनस हाफ जी स्क्वायर, ठीक है। ये तुमको इतना इतना बेसिक बेसिक याद रखना, ठीक है। अच्छे से कर जाना, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशंस और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने लिखा ना मैंने उसमें से सवाल बहुत कॉमनली आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वेक्टर वाला जो क्वेश्चन था ना, याद है वेक्टर का एक क्वेश्चन डिराइव करते थे r इक्वल टू रूट ओवर p स्क्वायर प्लस इसका इस पे न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर ये क्या कहते हैं डेरिवेशन, ठीक है। वो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, ये तो लोग अच्छे से कर जाना। अब आती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इस पे ना अधिकतर सवाल आते हैं उसके ऊपर, इंपल्स के ऊपर, इंपल्स क्या होता है, मोमेंटम। तो तुमको याद रखना सीक्वेंस का एमवी इंपल्स हो जाता है एमवी माइनस यू, ठीक है। फोर्स हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद ये सब हो जाएगा, और ये जो है ना इसके ये वाले तुम लोग कर जाना अच्छे से। ये बॉडी है, ठीक है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है एमजी साइन थीटा। उसके बाद ये वाला साइन थीटा, उसके बाद कितना अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है तो म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन छोड़ दे पाते, ठीक है। ये कितना नीचे नेट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, फिर ऐसे सवाल जो होते हैं जैसे पुली होती थी, ठीक है। तुमको इसका एमबीडी बनाने आना चाहिए, जैसे कि मान लो एम वन है एम टू है, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है। मान लो अगर एम वन एम टू से बड़ा है तो लिखते थे हम लोग ऐसे करके एम वन जी टी ऊपर लगेगा, बॉडी भारी तो नीचे जाएगा ना, ए नीचे होगा तो टी माइनस एम वन जी, फिर इसके लिखते थे टी माइनस एम टू जी माइनस टी, ये इक्वेशन, ये सब तुम लोग अच्छे से देख लो। तो ये लॉज ऑफ मोशन ना ये कुछ टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन का फॉर्मूला बेसिक फ्रिक्शन चैप्टर से म्यू इनटू एन, और उसके ये वाले सवाल ऐसे वाले, इसके ऊपर बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है।
हार्ड सवाल नहीं होते, इजी होते। का हो गया उसके बाद ना यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डेरिवेशन हो जाएगा एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये वाला तुम लोग अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है? एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर का डेरिवेशन, ठीक है? और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही पढ़ जाना, इस चैप्टर में ना तुमको एक बार टेक्सटबुक से भी थोड़े शॉर्ट इसके पढ़ जाना, ठीक है? ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है एक्चुअली, देखा है, ठीक है ना? तुमको ये बेसिक फॉर्मूला आना ही चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है? तो वो सब तुमको अच्छे से कर जाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में जो तुम लोग बेसिक पढ़े थे क्लास टेंथ में, ठीक है, वो तुम पढ़ा थे W इक्वल टू एफ डॉट एस, W इक्वल टू एफ डॉट एस तुमको आना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए तुमको वो जो पढ़ा, जो जो फोर्सेस तुमने पढ़ के रखी है, क्योंकि इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ अगर है तो अधिकतर मैंने देखा क्वेश्चन वो होता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसको कितनी बार इसके थ्योरी में सवाल आ चुके हुए, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होता है पाथ डिपेंडेंट, क्या कहते हैं, वर्क डन जो होता है इन राउंड ट्रिप पे जीरो, इस पे वर्क डन इन राउंड ट्रिप पे नॉट जीरो, इस पे वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इस पे करता है। कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल ग्रेविटेशन फोर्स थे, स्प्रिंग फोर्स था। नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल जो होते हैं वो स्प्रिंग फोर्स होता है, ठीक है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स होता है, इस पे ग्रेविटी थी, फ्रिक्शन था, सॉरी ग्रेविटी थी, स्प्रिंग था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इस पे कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है। विस्कस फोर्स क्या होता है, जो पानी में लगाता है ना, और फ्रिक्शन फोर्स वो अपोजिंग फोर्स होता है जो सॉलिड लगाता है, ठीक है? ये तुम लोग कर जाना। उसके बाद ये वाला देखो, भले क्लास टेंथ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पूछा बहुत जाता है, प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। ये तुमको सवाल अपने कॉन्साइज फिजिक्स पे क्लास टेंथ की बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, कि ऊपर से बॉडी को नीचे फेंकते तो दिखाना कि हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है? तो mgh + half mv² का कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, वो आपको दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है। उसके बाद हाँ भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद अभी भेज दूंगा, जिसको पढ़ना है पढ़ लेगा, ठीक है? उसके बाद तो रोटेशन मोशन, ठीक है, रोटेशन मोशन में वो वाला सवाल क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिक चीजें पढ़ जाना। इसमें अगर पता कॉमनली पूछा जाता है ना, तो ये पूछा जाएगा कि बताओ इस बॉडी की इतनी एंगुलर स्पीड है, इतना आई है, काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? एक डांसर है, अपने हाथ को पास लेकर के आती है, क्यों लेकर के आती है, ताकि उससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए, उससे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? उस तरह के सवाल, इससे जो सवाल आते हैं ना बेसिकली छोटे छोटे, इसमें कुछ ज्यादा डेरिवेशन नहीं होते, ठीक है? तो इसमें जो तुम्हारे सवाल आएंगे ना, मेनली तुम्हारे ये होते हैं, थोड़े से रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसका ना तुम लोग जितना फॉर्मूला है वो सब पढ़ जाना, ठीक है? एक तो आई ओमेगा,
मोमेंटम के लिए, एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए। फिर इसको ये कहां से आया था, एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एम वी था, ठीक है। तो ये सब सवाल फॉर्मुला तुमको अच्छे से देख जाना, ये सवाल ये चैप्टर थोड़ा टफ होता है एक्चुअली, रोटेशन का चैप्टर होता है, बट तुमको करना है लास्ट पे करना है, ठीक है। तुम्हें कोई चीज अगर टफ लगे ना तो लास्ट पे करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, ठीक है, आर क्रॉस एफ होता है उसका फॉर्मूला, टॉर्क निकालने का उस पर कोई क्वेश्चन आ जाएगा, रॉड है फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे, बताओ यहाँ पे कितना टॉर्क होगा, आर एफ साइन थीटा, उसे पर कर लो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अब एक चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में वो डेरिवेशन सारे कर जाना और फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। वो हाइट से कैसे जी वैरी करता है, जी वन माइनस टू एच बाई आर, डेप्थ से कैसे करता है, जी वन माइनस डी बाई आर, इसके डेरिवेशन, डी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन, केपलर्स लॉ खाली उसका अगर आएगा ना तो खाली केपलर्स लॉ लिखने के लिए आता है, उसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। केपलर्स लॉ बस खाली जितना क्लास नाइन्थ में पढ़ाया जाता है ना सीबीएसई, खाली केपलर्स लॉ क्या होता है, ठीक है, तीन स्टेटमेंट है उसके, बस उतना तीन स्टेटमेंट ही तुमको पढ़ करके जाना है, ज्यादा उस पर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, उतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। उसके सवाल आते मिली एंट्रेंस में आते, मैंने जो करवाए थे केपलर्स लॉ के वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाए थे तुमको मैंने, ठीक है, जो नीट की और मेंस में आते, मैंने इसके केपलर्स लॉ के काफी सारे क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, बट बोर्ड के लिए हम लोग को स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इलास्टिसिटी चैप्टर आता है, हाँ 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर लेना, ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट का ज्वाइन करना बस, ठीक है। अब उसके बाद आता है इलास्टिसिटी चैप्टर, इसमें ना तुम लोग को स्ट्रेस स्ट्रेन बता के रखा है, यंग्स मॉडुलस, शियरिंग मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस, तुम लोग को ये तीनों के तीनों आने चाहिए डेरिवेशन, ठीक है। पहले तो स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस फोर्स का एरिया था, तीन तरह के स्ट्रेस थे वो आने चाहिए, तीन तरह के स्ट्रेन थे वो आने चाहिए, और तीनों का रेशियो आना चाहिए, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस निकाल दीजिए, ठीक है। और ये वाला ग्राफ थोड़ा अच्छे से देख जाना, ये ग्राफ डायरेक्टली बनाने भी आ सकता है या तुमसे इसका इंटरप्रिटेशन पूछा जा सकता है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा पढ़ जाना चाहिए।